मैं यहाँ पे अब अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा हुआ हूँ, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहूँगा। और ये धरना इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है क्योंकि लगातार आयोग ने ये साबित कर दिया है कि वो आयोग नहीं बल्कि अयोग्य है। और मैं यहाँ पे सरकार से मांग कर रहा हूँ, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि JPC आयोग को भंग किया जाए, क्योंकि मैं एक सफल अभ्यर्थी हूँ और सफल अभ्यर्थी होने के बाद भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने मेंस का फॉर्म भी भरा हुआ है, लेकिन मैं इस मेंस के एग्ज़ाम को मैं बैठूंगा नहीं, मैं इसे बायकट करूंगा। क्योंकि जब तक से JPSC जैसा भ्रष्ट संस्थान हमारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, मैं इस एग्ज़ाम को बायकट करूंगा। जब तक से इस एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट नहीं करेगी, तब तक मैं यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम में बैठूंगा नहीं। मैं अपनी तैयारी यहीं पे करूंगा रह करके, लेकिन मैं मेंस का एग्ज़ाम को बायकट करूंगा, क्योंकि मुझे इस आयोग पे विश्वास नहीं रहा है। आयोग ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। और मैं बोलना चाहूँगा आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को भी, कि मैंने बहुत ही उज्ज्वल भविष्य का कामना लेकर के मैं झारखंड में पैदा हुआ था, कि यहाँ पे जब मैं आया, देखा चीज़ों को, तो लगा कि मेरा भविष्य यहाँ पे उज्ज्वल है। और फिर आपकी सरकार को चुना गया ताकि हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा, लेकिन आपकी सरकार को चुनने के बाद भी नहीं लग रहा कि हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। मैं एक अधिकारी बनना चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे सड़क पर उतार दिया, सड़क पर आपने मुझे ला के खड़ा कर दिया है। और आज जो मेरा उज्ज्वल भविष्य बनने जा रहा है, अगर ये नहीं बन पाएगा, अगर मैं ये एग्ज़ाम जो है मेंस का नहीं लिख पाऊंगा, इसका साफ साफ जिम्मेदार जो है आयोग होगा और सरकार और सिस्टम खुद होगी, क्योंकि आयोग से पर से मेरा भरोसा उठ चुका है और मैं इस एग्ज़ाम को नहीं लिखूंगा।